जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में सब्जेक्ट मैथ पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 9 और उसका पार्ट 3। कितना? चैप्टर 9 पार्ट 3। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम क्या करना है, गुणा कीजिए। ठीक है, ये देखो 26 गुणे 4 देखो इस तरीके से। अच्छा, तो बच्चों चलो यहाँ पे हम गुणा करके देखते हैं। 26 गुणे 4 यानी 26 गुणे 4 का पारा 6 बार पड़ेंगे बच्चों। 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 4 16। अब 16 में आपको मालूम है कि इस तरीके से हम संख्या 16 होती है, तो संख्या 16 में इकाई का अंक कौन सा है? 6, और दहाई का अंक 1। तो ये जो इकाई का अंक 6 है, इसको हम एक यहाँ पे लिखेंगे और इस तरीके से एक डॉट डॉट वाली लाइन करके इसके आगे जो दहाई का अंक है 1 है, ये हम यहाँ पे हासिल लगा देंगे। क्या करेंगे? हासिल लगा देंगे। तो कितना हो गया? 26 गुणे 4 हमने कराया, तो 26 गुणे 4 तो यहाँ पे लिखेंगे 26 गुणे 4। 4 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार पढ़ेंगे। कितनी बार? 6 बार पढ़ेंगे। कितनी बार? 6 बार। तो 4 6 24। अब देखो यहाँ पे 24 हम इस तरीके से लिखते हैं। अब 24 में जो पीछे का अंक है, ये कितना है? हमारा इकाई है, और ये जो है हमारा दहाई। तो ये जो पीछे का अंक है, इस अंक को हम यहाँ पे लिखेंगे 4, और आगे की ये जो दहाई का अंक हमारा है, इसको हम यहाँ पे डॉट डॉट लाइन करके इसके ऊपर एक हासिल चढ़ा देंगे। ठीक है, तो 4 6 24 का 4, हासिल लगा कितना हमारा आया? 2। कितना? 2। अब हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। कितनी बार? 2 बार। 4 एकम 4, 4 दुनी 8। अब 8 जो हमारा आया है, उसमें हम ये जो ऊपर हासिल चढ़ी है, इसको जोड़ देंगे 8 में। तो 8 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 10। कितना? 10। तो 4 दुनी 8, 8 में 2 जोड़ा तो कितने हो गए हमारे? 10। ठीक है, इस तरीके से आपको गुणा करनी है। तो चलो ये वाली गुणा करके देखते हैं हम यहाँ पे। 23 गुणे 9, तो 23 गुणे 9। अब इसमें भी इस तरीके से एक डॉट डॉट वाली लाइन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ के देखिए आप। 9 एकम 9, 9 दुनिया 18, 9 3 27। अब 27 में भी ये देखो, 27 इस तरीके से, तो पीछे की संख्या कौन सी हुई हमारी? 7। कितनी हुई? 7। तो 7 यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो आगे का दहाई का अंक जो हमारी हासिल बची है, इसको क्या करेंगे, जिस संख्या को हमने गुणा किया उसके आगे वाली संख्या के ऊपर लिखेंगे। तो कितना आया? 2। तो हम इस 2 को ये 2 के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। 9 दुनी 18, 18 आ गया। अब ऊपर जो हासिल है, ये 18 में हम जोड़ देंगे। 18 में अगर 2 हासिल हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 20। कितना? 19 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। समझ में आया? इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में आगे आप देखो यहाँ पे 32 गुणे 5। कितना? 32 गुणे 5। तो कैसे करेंगे? 32 गुणे 5, फिर एक इस तरीके से लाइन। 5 दुनी 10, 5 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दुनी कितना हुआ? 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 10। अब 10 आपको 10 बोलते ही मालूम पड़ जाता है कि 10 इस तरीके से लिखा जाता है। तो पीछे की संख्या इसमें कौन सी हुई? 0, और आगे हासिल हमारा कितना बचेगा? 1। तो ये 1 इसके ऊपर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 5 3 15।
पंद्रह में जब हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, सोलह, कितना सोलह, तो ये कितने हो गए 160, कितने 160। इसी तरीके से ये वाली भी गुणा आपको करनी है, चलो करके देखते हैं। यहाँ पे 58 गुणे दो, तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसके पहले दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, आठ बार, तो दो अट्ठे कितना होता है बच्चों, 16, 16 में पीछे की संख्या यानी इकाई का अंक कौन सा है, 6, हासिल हमारा कितना बचता है 1, फिर दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, पांच बार, दो पंचे 10, 10 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, कितना 11। फिर आगे यहाँ पे देखो आपको सवाल दिया हुआ है, एक किताब में 64 पन्ने हैं, कितने पन्ने हैं 64, ऐसी आठ किताबों में कितने पन्ने होंगे, तो इतने पन्ने हैं इतनी किताबों में और कितने होंगे, तो ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो हम क्या करेंगे, इस 64 को इस तरीके से लिख के 64 गुणे कितना है 8, तो हम 64 को 8 से गुणा कर देंगे, 8 गुणे 16, 8 24, 8 चौक 32, 32 का यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चों 2। अब हासिल हमारा कितना बचा, ये देखो 32, 32 में पीछे की संख्या 2 यहाँ पे लिख दी, तो हासिल हमारा कितना बचा 3, तो इस 3 को यहाँ 6 के ऊपर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, अब 48 में 3 जोड़ेंगे तो 49, 50, 51, कितने 51, तो यहाँ लिखेंगे 51, ठीक है। फिर आगे एक डिजाइन में 3 फूल हैं, कितने फूल हैं, एक डिजाइन में 3 फूल, कपड़े के एक टुकड़े में से 17 डिजाइन, कपड़े के एक टुकड़े में से 17 डिजाइन हैं, एक डिजाइन में 17 फूल हैं, कपड़े में एक टुकड़े में 17 डिजाइन हैं, उस कपड़े पर कुल कितने फूल बनेंगे, एक जो डिजाइन है बच्चों उसके अंदर फूल कितने हैं 3, और कपड़े के एक टुकड़े में ऐसे कितने डिजाइन बन रहे हैं 17, कितने 17, तो हम क्या करेंगे 17 गुणा 3, क्या करेंगे, या इस तरीके से भी कर सकते हैं 3 गुणे 17, तो 17 चौथी 17 दिया 51, तो यहाँ लिखेंगे 51 फूल बनेंगे, क्या करेंगे बनेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से करना है। उसके बाद में बच्चों ये देखो आगे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पृष्ठ संख्या 140 पर दर्शाए उदाहरण के अनुसार कोष्टक बनाकर जोड़ और गुणा करनी है, ठीक है, तो इसको हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतने बच्चों, जय गायत्री।